लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आने वाले कुछ ही दिनों में आइसलैंड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बर्दरबुंगा बड़े धमाके के साथ फट सकता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने इस धमाके को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आइसलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में स्थित इस ज्वालामुखी में पिछले कई दिनों से तेज भूकंप आ रहे थे। भूकंप के झटकों के चलते ही बर्दरबुंगा में तेज हलचल शुरू हो गई है। बर्दरबुंगा के फटने से यूरोप के एक बड़े हवाई हिस्से में राख और धुआं फैल सकता है, जिसके चलते टूरिस्ट्स को आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइसलैंड के 130 ज्वालामुखियों में से बर्दरबुंगा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक है। आखिरी बार 2014 में जब बर्दरबुंगा फटा था तो इसे यूरोप का 240 साल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ब्लास्ट बताया गया था। एक सपर्क्स ने इस ब्लास्ट को 2010 के अफलाजालाजोकुल ज्वालामुखी ब्लास्ट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया था। इसकी गैस यूरोप की एयर क्वालिटी भी प्रभावित हुई थी। उस दौरान यूरोप के एक बड़े हवाई क्षेत्र पर राख के बादल छा गए थे, जिसके चलते आइसलैंड का टूरिज्म कई महीनों के लिए ठप पड़ गया था। एक सपर्क्स पॉल हिनार्सन के मुताबिक बर्दरबुंगा में पिछले करीब 2 सालों से हलचल मची थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आए तेज भूकंप के झटकों से ज्वालामुखी अब फटने की कगार पर पहुंच चुका है। जर्मन रिसर्च सेंटर के डॉक्टर थॉमस वॉल्टर के मुताबिक पिछली बार 2014 में जब बर्दरबुंगा फटा था तो आसपास मौजूद बर्फीले पहाड़ों ने काफी हद तक इस ब्लास्ट का असर कम कर दिया था।